Good morning everyone. Today we are going to learn projections of planes. In this chapter we are going to learn resting position of triangular planes on HP and VP. Okay. In the triangular planes we have 30, 60, 90 set square, equilateral triangle and isosceles triangle. ठीक है? हम आज पढ़ेंगे triangular planes का resting position on HP and VP. ट्रायंगुलर प्लेन्स में आपको है 30, 60, 90 डिग्री का सेट स्क्वायर, देन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल. पहले हम पढ़ेंगे 30, 60, 90 डिग्री का सेट स्क्वायर. ठीक है, इन 30, 60, 90 डिग्री सेट स्क्वायर जैसा मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें होता क्या है, इन द 30, 60, 90 डिग्री सेट स्क्वायर आपके पास दो साइड होते हैं, एक होती है लॉन्गर साइड, एक होती है शॉर्टर साइड. क्लियर? एक होती है लॉन्गर साइड, एक होती है शॉर्टर साइड. ठीक है, आप देखोगे जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, उसके करीब होता है 30 डिग्री का एंगल. ठीक है, जो शॉर्टर साइड है उसके करीब होता है 60 डिग्री का एंगल. आपस बोल रहा हूं, जो लॉन्गर साइड है उसके पास में होती है 30 डिग्री का एंगल और जो शॉर्टर साइड होती है उसके पास होता है 60 डिग्री का एंगल. ठीक है, तो 30, 60, 90 डिग्री सेट स्क्वायर में आपको हमेशा कोई भी एक साइड देंगे, शॉर्टर साइड या लॉन्गर साइड. आपको दोनों साइड्स की जरूरत है क्या इसमें, सोचिए. ठीक है, ज्यादा मत सोचिए. आपको 30, 60, 90 डिग्री सेट स्क्वायर में कोई भी एक साइड दे तो भी चलेगा. जैसे कि अगर मैंने मेरी शॉर्टर साइड दी है 50 mm, सपोज मेरा यहाँ पे साइड है शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड है 50 mm का. तो मेरे इस फिगर में मेरी शॉर्टर साइड है 50 mm की, तो मैंने यहाँ पे मेरी शॉर्टर साइड ड्रॉ कर दी है 50 mm की, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 50 mm का शॉर्टर साइड. ठीक है, अभी आपके बेंच पे आपके पास सेट स्क्वायर है, आप देख सकते हो उसको. मेरा अगर ये वर्टिकल है शॉर्टर साइड, यहाँ पे रेस्टिंग है, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा. आप देख सकते हो कि जब मेरा शॉर्टर साइड है उसके ए वाले कॉर्नर से 60 का एंगल गया हुआ है जो टच करता है इस वाले लाइन को. ठीक है, मेरे शॉर्टर साइड के इस पॉइंट से एंगल गया हुआ है 60 डिग्री का जो टच करता है इस लाइन को. तो सिंपल सी बात है, आपको आपका जो प्रोट्रैक्टर है जिस पे आपके एंगल्स दिए हुए, आपको आपके प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है इस वाले पॉइंट पे, यहां से आपको एंगल लेना है 60 का. कितना एंगल? 60 का, जो कि मेरा यहां से यहां पे आएगा. ठीक है, 60 का एंगल ओ वाला. आपको ड्रॉ करते हो, पहले ड्रॉ करना है शॉर्टर लेंथ जो दिया होगा, शॉर्टर लेंथ, फिर आपको शॉर्टर लेंथ एक पॉइंट से आपको एंगल ड्रॉ करना है 60 का जो क्रॉस करेगा लॉन्गर लेंथ को, समझो. तो मेरा पॉइंट हो जाएगा longer length हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको longer length दी है, सपोज आपको longer length दी है मेरी यहाँ पे, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको longer length दी है सपोज 60 की, तो मुझे longer length मुझे पहले ड्रॉ करना है नीचे में, फिर आपको यहाँ से इस पॉइंट से एंगल लेना है कितना, वर्टिकल लाइन 90 पे. मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरे shorter length कितनी लंबी है, पता नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरी ए वाली कितनी है 60 की. सपोज मेरा ए और बी पॉइंट, ठीक है, आपके पास प्रोटेक्टर है आपके बेंच पे, आप देख सकते हो मेरे लॉन्गर लेंथ का एंड पॉइंट जो है वहां से एंगल गया 30 डिग्री का. ठीक है, मेरे लॉन्गर लेंथ का एंड पॉइंट है वहां से मेरा एंगल गया हुआ है 30 डिग्री का. तो आपको आपका प्रोटेक्टर रखना है इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपको एंगल लेना है 30 का, आपको एंगल लेना है 30 डिग्री का. ठीक है, जो कि मेरा एंगल यहाँ का आएगा ऐसे, समझ गए, आपको उस वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है. तो ए वाले दोनों क्रॉस हो गए यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ए मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री आ जाएगा, और ये मेरा हो गया लॉन्गर लेंथ, ये मेरा हो गया शॉर्टर लेंथ. तो इन शॉर्ट अगर आपको पेपर में बोलते हैं शॉर्टर लेंथ देंगे तो आपको लॉन्गर लेंथ पता हो जाएगी, या आपको देंगे लॉन्गर लेंथ आपको शॉर्टर लेंथ पता हो जाएगी. बट आपको एग्जाम में नॉर्मली शॉर्टर लेंथ देते हैं, उस पे माउंटिंग करते हैं. अभी मेरे इस फिगर में
या हम माउंटिंग करेंगे ऑन द शॉर्टर लेंस, ठीक है, हम माउंटिंग करेंगे हमारे 30, 60, 90 सेट स्क्वायर को ऑन द शॉर्टर लेंस, ठीक है। तो पहले मुझे शॉर्टर लेंस का सेट स्क्वायर ड्रॉ करना है, ये वाला जिसकी मेरी लेंथ कितनी है 50 mm, 50 की मेरी लेंथ है, मैंने यहाँ से 50 का शॉर्टर लेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना लंबा, ये मेरी लॉन्गर लेंथ हो जाएगी, कन्फर्म नहीं कितनी लंबी है, सिर्फ ड्रॉ करना है। आपको ऐसे एंगल लेना है 90 का, ये 90 में होगी, ठीक है, 90 होगा। फिर आपको आपका जो प्रोटेक्टर है रखना है, यहाँ पे रखोगे आपका ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट से एंगल लेना है 60 का, जो कि यहाँ पे एंगल आएगा समझो। फिर आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, एक क्रॉसिंग विद द पॉइंट, आपका लाइन क्रॉस हो गया इसको, ये आपका हो गया लॉन्गर लेंथ, ये मेरा बन गया 60 डिग्री का, ये मेरा बन गया 30 डिग्री का। अब हम इसको नेमिंग करेंगे, ये मेरा हो गया पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ पोजीशंस लेना है ऊपर, पोजीशंस के लिए मैं यहां से लूंगा ऐसा वर्टिकल, वर्टिकल लूंगा, यहां पे मेरे दो पॉइंट्स है ए और बी, तो ये मेरा हो गया यहां पे ए बी और सी पॉइंट, ओके। तो मेरा ए हो गया मेरा फ्रंट व्यू, डार्क कर दिया मैंने, ये मेरा टॉप व्यू, जैसा कि आप जानते हो टॉप व्यू के हम नाम हमेशा देते हैं ए बी सी विदाउट डैश, मेरा पे नाम एज इट इज ए बी सी विदाउट डैश, परफेक्ट है, नो चेंज। यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू जिसका नाम होता है हमेशा ए बी सी डी विद द डैश, तो मेरा ए डैश कर लूंगा मैं, बी डैश और सी डैश, ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू, ये मेरा हो गया टॉप व्यू। इसमें हमने रखा हुआ है हमारा सेट स्क्वायर ऑन द शॉर्टर साइड, इसकी लेंथ कितनी है 50 mm, तो आपको 30, 60, 90 डिग्री सेट स्क्वायर में या तो आपको शॉर्टर लेंथ देंगे या आपको लॉन्गर लेंथ देंगे। अगर सपोज आपने इसको रखा हुआ है लॉन्गर लेंथ, इन शॉर्ट आपको एग्जाम में देंगे रेस्टिंग ऑन द लॉन्गर साइड, तो सिंपल चीज ये है, आपको पहले लॉन्गर लेंथ ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरी ये लॉन्गर लेंथ होती मेरी होगी शॉर्टर लेंथ, ठीक है, तो आपको शॉर्टर लेंथ यहाँ पर ड्रॉ करना है, थोड़ी सी शॉर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको पता है कि मेरे लॉन्गर लेंथ हो गया कितना है, सपोज आपको लॉन्गर लेंथ दिया 80 का, सपोज 80 का, ठीक है, मुझे लॉन्गर लेंथ दिया हुआ 80 का, मेरी शॉर्टर लेंथ मुझे पता नहीं कितनी है, बट हमेशा लॉन्गर लेंथ और शॉर्टर लेंथ का एंगल कितना बनेगा 90 का एंगल, जहां पे मेरी लॉन्गर लेंथ है वहां से हमेशा एंगल जाएगा 30 डिग्री का, कितना शॉर्टर से जाता है 60 का, लॉन्गर से जाता है 30 का। आपको याद रखना है प्रोटेक्टर और ऐसे एंगल मारना है कितना 30 का, जो कि मेरा यहां पे एंगल, ठीक है। फिर आपको वहां से कांटा मारेगा याद रहेगा, फिर आपको वहां से एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसा एंगल में, ठीक है, ये मेरा हो गया 30 डिग्री का, ये मेरा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं माउंटिंग पोजीशन ऑफ द 30 60 90 डिग्री सेट स्क्वायर बाय कंसीडरिंग द रेस्टिंग पोजीशन ऑन द शॉर्टर साइड, ठीक है। आप लॉन्गर के लिए भी ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। तो हमारा 30 60 90 सेट स्क्वायर रेस्टिंग ऑन द शॉर्टर साइड का हो गया, रेस्टिंग ऑन द एचपी पे हो गया। अब हम ड्रा करेंगे वीपी के ऊपर, ठीक है। यहां हम वीपी में लॉन्गर से ले सकते हैं कुछ ना, आप लॉन्गर से ले सकते हो, ठीक है, तो हम लॉन्गर से कर लेंगे यहां पे, ठीक है, कोई इशू नहीं, ओके। तो हम लेंगे ऑन द लॉन्गर साइड, ठीक है, तो हम लेंगे यहां पे रेस्टिंग ऑन लॉन्गर साइड ऑफ 80 mm, ठीक है। तो मैंने लॉन्गर साइड ली हुई है, आपको पहले इसको ड्रॉ करना है वर्टिकल ऊपर, बिकॉज पता है आपको जब हम एनी प्लेन रखेंगे वर्टिकल प्लेन में उसका ट्रू शेप कहां पे आएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, उसका लाइन व्यू आएगा एक्स वाई लाइन के ओवरलैप हो जाएगा। हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं 30 60 90 डिग्री सेट स्क्वायर रेस्टिंग ऑन द लॉन्गर साइड इन द वीपी, ठीक है। तो मेरा लॉन्गर साइड बड़ा हो गया 80 का दिया मैंने, मेरा लॉन्गर साइड है ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, शॉर्ट डिफाइन नहीं कितना लंबा है, सिर्फ ड्रॉ करना है आपको, ये मेरा हो गया लॉन्गर साइड मेरा 80 का है, ठीक है। ऐसे एक स्मॉल लाइन ड्रॉ कर दिए, व्हेन वी आर ड्रॉइंग द लॉन्गर साइड आपका यहां से कितना एंगल आएगा 30 का, तो मैं यहां से कौन से का, ओके, तो यहां से मैं एंगल लूंगा 30 का, जो कि मेरा यहां पे एंगल लग गया ऐसा। फिर मुझे यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है, मैंने यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी जो यहां पे क्रॉस करेगा, करेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये
मेरा एंगल है 30 डिग्री का, ये मेरा एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। अब इसको नाम दूंगा ए, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा है, ये मेरा है ए पॉइंट, ये मेरा है बी पॉइंट, ये मेरा है सी पॉइंट, ठीक है। फिर मुझे ड्रा करना है उसकी प्रोजेक्शंस, मैंने और उसके नीचे ले लिए, इसका नाम है ए बी, मेरा नीचे आ गया ए बी और लैप, ओके, मेरा सी पॉइंट यहां आ गया, ये मेरा बन गया है टॉप व्यू, मुझे इसको बात करना पड़ेगा, मैं बात कर दिया। अभी टॉप व्यू का नाम क्या होता है, हमेशा हमेशा टॉप व्यू का नाम होता है ए बी सी डी विदाउट डैश, तो मेरा नाम यहां पे ए बी सी लेगा एज इट इज। मेरे फ्रंट व्यू का नाम होता है डैश में ए डैश बी डैश सी डैश, अब मैं इसको डैश कर दूंगा, मेरा नाम है ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे आपको बताना है, हमने यहाँ पे 30 60 90 डिग्री सेट स्क्वायर का व्यूज ड्रॉ किया है, हमने उसको रखा हुआ है लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड पर रखा हुआ है 30 60 90 का सेट स्क्वायर, ओके, इतना क्लियर। तो लॉन्गर साइड से एंगल जाएगा 30 डिग्री का, जो क्रॉस करेगा शॉर्टर साइड, ठीक है। हमने यहाँ पे 30 60 90 डिग्री सेट स्क्वायर ड्रॉ किया है बाय कंसीडरिंग कि मेरा शॉर्टर साइड पर रेस्टिंग किया हुआ है और आपके शॉर्टर साइड से एंगल जाएगा हाउ मच 60 डिग्री का, जो कि मेरा कट करेगा लॉन्गर साइड, ठीक है। आपको एग्जाम में हमेशा शॉर्टर साइड पूछता है, तो आपके इसमें व्यूज कौन सा, आपका ए वाला एक व्यू है और आपका ए वाला एक व्यू है, ठीक है। तो आपका मैंने साइड लिया पे शॉर्टर साइड 50 लिया हुआ है, लॉन्गर 80 का लिया हुआ है, आप इस पे शॉर्टर 40 का और लॉन्गर 70 या 60 का लेके एक बार ट्राई कर सकते हो। आपको पेपर में ट्रायंगुलर प्लेन में से 30 60 90 सेट स्क्वायर या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आइसोस्केलेस पूछता है, आपको करना है।